बीते दिनों महाराष्ट्र में आए विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है। बंपर वोट मिलने के बाद भी एनडीए अभी तक सीएम फेस कौन होगा ये डिसाइड नहीं कर पा रही है। वहीं इसी बीच अब शरद पवार ने वोटिंग से जुड़ा एक बड़ा दावा कर दिया है। शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र में ईवीएम में वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है। कल यानी बीते शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव परिणामों ने जनता को बेचैन कर दिया है। हर दिन सुबह 11 बजे विपक्षी नेता संसद में सवाल उठाते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ है कि संसदीय लोकतंत्र को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। अगर यही स्थिति जारी रही तो हमें जनता के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा। वहीं इसके अलावा ईवीएम में गड़बड़ी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वोटों में कुछ अंतर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों ने फिर से काउंटिंग की मांग की है, हालांकि जो भी संभव होगा वो किया जाएगा, लेकिन इस मामले में मेरी उम्मीद ज्यादा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम पर हो रहे ये सारे दावों में सच्चाई जरूर है, लेकिन इन बातों को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस भी महाराष्ट्र में हुए चुनाव परिणामों पर सवाल उठा चुकी है। वहीं इसी के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने बयान में कहा था कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, लेकिन चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यशैली ने जनता को हताश और चिंतित कर दिया है। कांग्रेस इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इन तमाम आरोपों का खंडन किया था और साथ ही इस मुद्दे पर बात करते हुए 3 दिसंबर को मीटिंग भी बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में हुए चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को 288 सीटों में से सिर्फ 16 सीटें मिली, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना यूपीटी ने 20 और एनसीपी शरद पवार ने केवल 10 सीटों पर ही जीत हासिल की। वहीं से बिल्कुल उलट महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 132 सीटें जीती। उनके सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 57 और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 41 सीटें जीती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।